नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश की अपील पर जमजम फाउंडेशन ने निगम को ऑक्सीमीटर और पीपी किट सहयोग के रूप में आज मेयर हाउस में भेंट की। आपको बता दें, विगत दिनों महापौर जयप्रकाश ने सभी सामाजिक संस्थाओं से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कोविड अस्पतालों में मदद करने की अपील की थी, जिस पर अमल करते हुए सामाजिक संस्था जमजम फाउंडेशन ने आज उत्तरी निगम को 20 ऑक्सीमीटर और 150 पीपी किट डोनेट किए। इस अवसर पर जमजम फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने फाउंडेशन के अध्यक्ष शमीम अहमद खान के नेतृत्व में मेयर हाउस जाकर उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश से मुलाकात की तथा उन्हें निगम के कोविड अस्पतालों में चल रहे कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सहायता करते हुए 150 पीपी किट और 20 ऑक्सीमीटर भेंट किए। वहीं महापौर ने संस्था के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी आगे बढ़कर कोविड मरीजों की मदद करनी चाहिए। इस अवसर पर जमजम फाउंडेशन के संरक्षक बोर्ड के सदस्य हाजी मोहम्मद अनवार एवं मीडिया प्रमुख व सामाजिक पत्रकार इम्तियाज अहमद भी मौजूद थे। देखिए, दो दिन पहले मैंने सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को आह्वान किया था कि नगर निगम 3 कोविड अस्पताल चला रहा है, जिसमें हिंदूराव अस्पताल 260 बेड का चल रहा है, कभी वहाँ 100 बेड और बढ़ा सकते हैं। राजन बाबू में 100 बेड हमारा भी कोविड के चल रहे हैं, वहाँ भी प्रयास किया जा रहा है कि और बेड बढ़ जाए। बालाग्राम अस्पताल हमारा 100 बेड का तैयार है, वो कभी भी शुरू हो सकता है। तो दिल्ली सरकार का हमें बिल्कुल भी सहयोग मिल नहीं रहा, तो मैं सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से मैंने अपील की थी कि सभी आगे बढ़ करके निगमों का सहयोग करें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जमजम फाउंडेशन का, जिन्होंने कि आज हमारे को ऑक्सीमीटर पीपी किट्स उपलब्ध कराए हैं। ये सारे के सारे हम हॉस्पिटल में देंगे, ताकि हमारे जो अस्पताल इस समय आर्थिक तंगी में भी कोविड से लड़ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, तो ये पीपी किट्स और ये ऑक्सीमीटर उनके काम आएंगे। और आज जमजम फाउंडेशन जो शुरुआत की है, इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी आकर के हमारा सहयोग करेंगे। आओ हम सब मिलकर के इस कोविड की लड़ाई में एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़े। अगर हम एकजुट होंगे तो हम इस लड़ाई को हरा पाएंगे और जल्दी जीत पाएंगे। धन्यवाद।